तो दोस्तों अभी हम लोग नैनीताल से निकल रहे हैं, तो गाड़ी में बैठे हुए हैं सभी लोग, ये पांडे और ये अभिषेक, अमित आगे बैठा है। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं भीमताल के लिए, तो सारे ताल घूमेंगे हम लोग, जितने भी ताल हैं यहाँ के, 7 ताल कहते हैं, तो उसको घूमेंगे और उसके बाद वहाँ से काठगोदाम जाएंगे। काठगोदाम में हमारी ट्रेन बुक है पहले से, तो 9:50 की ट्रेन है। ट्रेन का नाम क्या है? बाग एक्सप्रेस। कौन सी? बाग एक्सप्रेस। तो ट्रेन बाग एक्सप्रेस है, 9:50 की ट्रेन है हम लोग की, तो वहाँ से सीधा 4 बाग। तो आगे की ब्लॉग देखते हैं भीमताल से, आपको शुरुआत करते हैं। 020 तो दोस्तों यहाँ पर 3 ताल हैं, एक अगल बगल में ही है या फिर कहिए कि एक अलग अलग भाग में आता है, इसको गरुड़ ताल बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है हमारे गरुड़ ताल है, और जस्ट इसके बगल में है जो हमारा वो 7 ताल है, आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा, ये जो यहाँ से नज़र आ रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं देखते हैं कुछ नज़र आएगा, वो 7 ताल है। और इन तालों के, ये जंगल के बीच में है, तो इन ताल के अंदर नहीं जा सकते हम लोग। ये देखिए ये ताल है, इसका कोई दूसरा रास्ता है उधर से जाने का, जंगल के बीच में, तो उधर से अभी जाएंगे। और इसके अलावा एक ताल ये इधर है, तो ये हनुमान ताल है। ये देखिए, ये देखिए पूरे सेव में आता है, तो इसी के नीचे हनुमान ताल है। ये देखिए, और इसके साथ में कुछ व्यू ऐसा आता है नज़ारा इसका, वी शेप में। वी को तो हटा दियो तुम, ये तो बीच में बैठ जाओ। तो दोस्तों अभी हम लोग नल धमंती ताल आए हैं अभी हम लोग, तो ये कोई पौराणिक जगह है, बहुत पुरानी, तो उसका ये ताल वगैरह है, तो वहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, यहाँ सभी नहा रहे हैं। तो अंदर मछलियाँ भी हैं, कहते इसमें जो मछली डाली थी वो चमत्कारिक रूप से डाली गई थी, और जो मछली काफ़ी पहले डाली गई थी वो आज भी ज़िंदा है। दोस्तों ये पूल है पूरा, तो दोस्तों अभी कुछ मछलियां हैं यहाँ पर दिख रही हैं, देखिए दोस्तों यहाँ मछलियाँ हैं। तो ये दामयंती है, उसी का है ये, कितनी इधर क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसके अलावा देखिए इधर साइड में पहाड़ है, ऊपर साइड में यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं शब्द वगैरह, और ऊपर साइड पहाड़ वगैरह है, ये देखिए। अभी आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से, तो यहाँ पर सभी वर्ल्डिंग लिखी हुई है, आप बारी बारी से उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ खेलने के लिए बनाया है अपना पर्सनल, वॉलीबॉल वगैरह, तो एक छोटा सा वो जगह थी ये, जैसे हम लोग की तरफ पार्क वगैरह होती हैं वैसे ही, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर फिलहाल। ये देखिए पहाड़, तो पहाड़ के ऊपर एक घर बना हुआ है, ये तो चलते हैं अभी हम लोग इधर से ऊपर की तरफ। तो दोस्तों अभी हम लोग नौकुचा ताल पर आ गए हैं, ये भीमताल का ही एक पार्ट है, तो इसे नौकुचा ताल बोलते हैं। नौकुचा ताल क्यों बोलते हैं,
इसके 9 कोने हैं, यानी कि यहाँ पर जो कोने हैं वो 9 कोने हैं, इसलिए इसका नाम जो है नौकुचा ताल पड़ा हुआ है। तो हम सभी लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बोर्डिंग वगैरह करने का है। ये देखिए काफ़ी सारी नाव हैं अलग अलग तरह की, वो बबल वाली नाव भी है पूरी ढकी हुई, और जो सबसे फेवरेट छोटी वाली प्लास्टिक वाली वो भी नाव है। तो अभी कुछ खा पी लेंगे, सामने कैंटीन वगैरह है, वहाँ पर खाने पीने के बाद में हम लोग बोटिंग का लेंगे मज़ा। तो बोटिंग का भी वीडियो हम लोग डालने वाले हैं इसके बाद। हम लोग बोटिंग करने जा रहे हैं अभी, ये पीछे झील है तो नौकुचा। दोस्तों ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है, और ये आपको एक बार ये सीधे रखना है, स्ट्रेट रखना है, और एक बार पानी इधर करेंगे, एक बार इधर करेंगे तो आगे बढ़ेगा, ऐसे पानी को आगे करेंगे तो पीछे से आगे करेंगे तो ऐसे बैक होगा, ठीक है सर। और टर्न के लिए राइट राइट चलाएंगे तो लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट घुमाएंगे राइट आएगा, अपोजिट है। अभी ज्यादा हिलना नहीं है आपको, ये कुछ इंस्ट्रक्शन, पानी पीछे करो। हाँ तो अभी वही चलाएगा, मैं तो चलाऊंगा ना, मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो देखते हैं कितनी दूर तक चला पाता है। और देखते हैं, वो लोग हमारे दोस्त साथी लोग आगे पहुंच चुके हैं, ये अभिषेक चला रहे हैं। मजा आ रही है? हाँ बहुत मजा आ रही है। तो और ये मेरा वाला है, मैं चलाऊं या वीडियो बनाऊं, दोनों हाथ से एक तो ये एक स्कैन। तो ये ऊपर से आ रहे हैं ये लोग, ये देखिए दोस्तों, ये इसमें लगभग 30 से 40 सेकंड का समय लगता है, और उससे भी कम का। दो तरह के वो हैं, एक छोटा वाला है और एक बड़ा वाला, दोनों का अलग अलग प्राइस है। छोटे वाले का जो प्राइस है, जैसे कि हम लोगों ने बताया 500 रुपये है उसका छोटे वाले का, और बड़े वाले का अलग है। अब उधर अमित लोग की नाव है, अमित अमित, ये अमित लोग हैं दोनों, अमित स्क्वायर। अभी हम लोग उनके पास चलते हैं, जल्दी चला अभिषेक, चला रहा हूँ। ये चला रहे हैं, बढ़िया चीज़ है। बस ये, और सामने कुछ पहाड़ वगैरह हैं, ये देखिए बहुत बड़ा पहाड़ है दोनों तीनों तरफ है। और यहाँ से दोस्तों वो जिम्पिंग वाला है जो यहाँ से निकलता है, तो काफ़ी कॉस्टली है। तो एक ये है, और एक जस्ट इसके ऊपर वाला है, तो इसका 500 रुपये है, उसका साथ 1200 रुपये है आई थिंक। तो ऊपर वाला हम लोग नहीं गए थे, नीचे वाला गए थे, तो वो हम लोग ने ट्राई नहीं किया क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है, 500 रुपये पर पर्सन का, मुश्किल से 30 सेकंड लगता है। फिलहाल आप लोग को देखने के लिए वीडियो मिल गई है, और सामने का नज़ारा कुछ देख सकते हैं पहाड़ों का, ये है। और इसे नौकुचिया ताल बोलते हैं क्योंकि इसके 9 कोने हैं, तो एक कोना जैसे उधर हो गया, और ये कोना उधर साइड एक कोना जो हो गया। तो इसके बारे में भी काफ़ी चर्चित बात है कि अगर कोई 9 कुचिया के 9 ताल एक साथ देख लेता है तो उसको काफ़ी दिक्कत हो जाती है फिर। तो अब दोस्तों हम भी मोबाइल रखते हैं, थोड़ा हम भी चला लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी जल्द ही। दोस्तों हम लोग अमित लोग के पास पहुँच गए, अमित ओ दोनों अमित पीछे देखो, तो हम लोग शायद लड़ने वाले हैं आपस में, देखते हैं। ये देखिए, और ये नदी का पानी है कुछ ऐसा, तालाब का, माफ कीजिए झील है ये। ये देखिए पैडल वाला तो कल चलाए थे। दोस्तों हम लोग आ गए हैं जहाँ से शुरुआत करी थी, काफ़ी मज़ा आया। अमित लोग मोड़ नहीं पा रहे हैं अपनी वो, तो इस वजह से वो लोग वहीं बीच में फंसे हुए हैं, फिलहाल धीरे धीरे आएंगे। और अभिषेक उतरने पे है, बस एक दिक्कत ये होगी कि पैंट वगैरह जो थी हम लोग की पूरी भीग गई है, ये देखिए पैंट वगैरह भीग गई है फिलहाल, तो अब उतरना है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर बोटिंग अच्छी लगी हो तो, इन्हीं भैया के यहाँ से करिएगा, 300 रुपये पर पर्सन है, कुछ डिस्काउंट वगैरह भी कर देंगे। और भैया कुछ बताइए, ये कयाकिंग है नौकुचिया ताल में, एडवेंचर एक्टिविटी है, आप आइए, आपका वेलकम है। उत्तराखंड में नौकुचिया ताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, बोटिंग का मजा लीजिए, पूरी सेफ्टी के साथ होता है दोस्तों। ये लाइफ जो है जॉकेट इसको पहनाते हैं, और इसमें सीटी वगैरह रहता है, इसका फीचर हमने बताया, जैसे कोई दिक्कत होती है आपको बीच में तो ये बोट लेके अपनी भी आते हैं आपको बचाने के लिए। सीटी है, काफ़ी तेज़ सीटी है तो पूरी आवाज़ जाती है, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप सीटी बजा के इनको बुला सकते हैं, क्योंकि भैया सीटी बजाने के बाद आप जाएंगे ना? यस बिल्कुल, ये भैया जाएंगे बचाने के लिए आपको, तो सीटी बजाइए, आइए यहाँ पर। और देखिए हमारे साथी भी आ रहे हैं उधर से सामने से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगे किस तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए, अभी हम आगे और भी जगह जाएंगे तो वहाँ की वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों। ओके थैंक यू दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये लोग भी आ गए हैं वापस और बस पहुंचने वाले हैं। तो
हम लोग ने अपनी जॉकेट वगैरह उतार दी है, तो बस अब यहाँ से तारे करने के बाद में दूसरी ताल पर, दूसरी जो ताल बची हुई है उस पर जाएंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एडवेंचर आपको दिखा सकें अपनी वीडियो में। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं भीम ताल में, तो इसे भीम ताल कहते हैं। देख रहे हैं आप चारों तरफ पहाड़ है और इधर कुछ मार्केट वगैरह है फूड वगैरह खाने पीने के लिए, और यहाँ पार्किंग वगैरह की व्यवस्था है। पीछे साइड में लोकल लोग रहते वगैरह हैं। हमारे इधर पीछे साइड में भी आप देख रहे होंगे पहाड़ है। इसके अलावा इधर का एरिया देखिए, यहाँ पर से एक पुल गया है, वहाँ पर भी जाते हैं। और वहाँ तालाब के ताल के बीचों बीच में एक एक्वेरियम बना हुआ है, वो देखिए वो एक्वेरियम है। वहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जो नाव वगैरह से जाते हैं, या फिर यहाँ के जिसको जाना हो उसका टिकट वगैरह होगा। कुछ देखते हैं अभी क्या है सिचुएशन यहाँ की, और कुछ खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ पर। मोमोज़ वगैरह मिल जाएगा आपको, फास्ट फूड वगैरह मिल जाएंगे सारी चीज़ें। तो अभी देखते हैं हम लोग आगे चल के थोड़ा बहुत। तो ये सामने का व्यू है, पूरा पहाड़ वगैरह है और बीच में जैसे कि बताया था ताल है। इधर से बाइक वगैरह जाती हैं, आराम से लोग टहलते हुए जा सकते हैं। दूसरी तरफ मेन रोड है दूसरे पहाड़ का। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं बतख हैं, एक ख़ास चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी, ये नीचे जो मछलियाँ चल रही हैं आप इन्हें साफ देख सकते हैं आराम से। इतना साफ पानी है पूरा नीचे का कि आपने मछलियाँ और नीचे जो अगर कोई चीज़ पड़ी है तो भी आप आराम से देख सकते हैं। ये देखिए तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, मछलियाँ भी काफ़ी पली हुई हैं देखिए दोस्तों। और मछलियों का ये है कि यहाँ पर कोई फिशिंग वगैरह नहीं करता, मछलियों को पकड़ता नहीं है इसमें, जो मछली हैं वो वहीं पर रहती हैं। ये देखिए दोस्तों तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर इनके झुंड का, बीच में मछलियाँ भी हैं और बतख वगैरह हैं। वहाँ पर बोटिंग वगैरह सेम है हर ताल का सिस्टम, यहाँ पर भी आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, प्राइस वगैरह भी वही है। और बाकी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आगे हम और भी वीडियोस को आप तक पहुँचाते रहें।